पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश व बर्फबारी से पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां पर यातायात सुविधाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। वहीं विद्युत आपूर्ति भी कई जगह बाधित हुई है। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा कि मौसम साफ होते ही यातायात बहाल करने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए विभाग की 58 मशीनरी विभिन्न जगहों पर काम कर रही हैं। देखिए, एक जो फ्रेश जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आया है, उसके कारण वर्ष जो है ये बर्फबारी का दौर जो है हिमाचल प्रदेश में और खासकर शिमला ज़िले में जो है बर्फबारी हो रही है। और ये कल रात से ही जो बर्फबारी शुरू हो गई थी और इसका अलर्ट जो है ऑरेंज अलर्ट हमने पहले ही आप लोगों के माध्यम से और जो हमारे फेसबुक का पेज है उससे लोगों को हमने इसके बारे में आगाह कर दिया था। जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, पूरे जो विंटर सीजन रहा है हमारी तैयारी उसमें पूरी रही है। इस बार जो मुख्य हमारी सड़कें हैं, क्योंकि बहुत भारी बर्फबारी हुई है अपर शिमला में, शिमला शहर में इतनी बर्फबारी नहीं है, सिर्फ जाकू के कुछ एरियाज़ में बर्फबारी हुई है, परंतु जो हमारे मेन मुख्य मार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं शिमला से लेके जो रोडू को जाता है वाया ठियोग और खड़ा पत्थर को और चौपाल की साइड और नारकंडा से होते हुए जो रामपुर को हमारी सड़क जाती है, इस पर भारी अभी भी जो है बर्फबारी जो है जारी है। और खड़ा पत्थर की अगर बात की जाए लगभग यहाँ पर 1 फुट बर्फ़ है। उसी प्रकार से जो चौपाल का खिड़की एरिया है उसमें भी 1 फुट है, नारकंडा में 1 से 1.5 फुट के बीच बर्फ़ है और अभी भी बर्फबारी जो है जारी है। हमारी कोई 58 मशीनें जो है हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। जैसी बर्फबारी रुकेगी, जो हमारा जो प्राइमरी टास्क रहेगा, जितनी हमारी मुख्य सड़क है नेशनल हाईवेज और कुफरी से दिल्ली से कुफरी से जो फागू की सड़क है, इसको प्राइमरी प्रायोरिटी पे जो है खोला जाएगा। उसी प्रकार से नारकंडा से ओडी को जो सड़क है उसको खोला जाएगा। हमारी मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, क्योंकि खड़ा पत्थर एरिया में अभी बर्फबारी रुकी थी दोनों साइड से, कोटकई साइड से भी और जुब्बल से, हमने उसमें मशीनरी लगाई हुई है और वो सड़क जो है यातायात के लिए चला दी जाएगी। जहाँ तक ट्रैफिक की बात की जाए, जो छोटी गाड़ियाँ शिमला शहर में आपने देखा हमारी HRTC की और छोटी गाड़ियाँ सब चल रही हैं। अपर शिमला की, क्योंकि अभी बर्फबारी जारी है और सड़क जो है मुख्य जो हमारा मार्ग है ढली से शराबड़ाई बंद है, जैसे ही इस पर बर्फबारी रोकेगी इसको क्लियर करके इस पर भी जो यातायात चला दिया जाएगा। जो रामपुर और किन्नौर साइड की हमारी HRTC की बसेस हैं उनको वाया बसंतपुर हमने डाइवर्ट किए और बस सर्विस जो है अभी चल रही है। उसी प्रकार से जो मशोबरा और नालदेरा होते हुए जो सड़क है वो भी अभी बंद है, परंतु उसमें बर्फबारी जैसी रोकेगी वहाँ पर भी उसको खोल दिया जाएगा। जहाँ तक बिजली की बात की जाए, पूरे शिमला शहर में बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली के कुछ DTRs जो है हमारे चौपाल एरिया और कुमारसेन में डाउन है। जैसी बर्फबारी अभी रुकेगी, क्योंकि जो उसकी लाइन्स हैं वो फॉरेस्ट से होती जा रही हैं, उसको भी जो है रिपेयर करके वहाँ पर बिजली को सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए, पूरे शिमला शहर में जो है सवेरे ठीक प्रकार से जो है दूध की, ब्रेड, सब्जियों की जो है सप्लाई हुई है। इसी प्रकार से अपर शिमला में भी जो है सप्लाई जो है कल करवा दी गई थी दोपहर बाद, और क्योंकि वहाँ पर लोकल एरिया से भी वहाँ पर सप्लाई होती है तो ऐसी कोई वहाँ पर डिफ़िकल्टी और कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं है। पानी की सप्लाई जितनी है वो सुचारू रूप से शिमला शहर में भी चल रही है और जितनी भी हमारी स्कीमें पूरे ज़िले में वो सुचारू रूप से इस समय चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।